नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेस्ट एडिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपना घर बनवा रहे हो और आप अपने घर में ग्रेनाइट, मार्बल या फिर टाइलिंग का काम करवा रहे हो, तो इस मटेरियल की आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, किसी न किसी समय पर। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं सबसे बेस्ट एडिशिव कौन सा आता है जो कि हमारे पत्थर को, टाइल्स को या फिर मार्बल को इंस्टेंट बहुत जल्दी से चिपका दे और बहुत लॉन्ग लास्टिक हो, बहुत ज़्यादा दिन तक चले, जल्दी निकले ना आपका पत्थर या फिर आपका ग्रेनाइट। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी डिटेल में मैं बताऊँगा एडिशिव को कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, सारे हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही घर से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, ये जो केमिकल है, यह केमिकल एस्ट्रल कंपनी की तरफ से आता है, जिसका नाम है वेट्रा इंस्टेंट एडेसिव LV401। इस नाम से आपको आपके लोकल मार्केट में किसी भी हार्डवेयर दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आप मान लिया कि अपने घर में उसमें आप ग्रेनाइट की डोर फ्रेम लगवा रहे हो, तो वहाँ पर हम क्या है, पत्थर को चिपकाने की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो उसको चिपकाने के लिए, जो ग्रेनाइट है उसको चिपकाने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी कंपनी के अलग अलग एडिसिव आते हैं दोस्तों, लेकिन मैं अभी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपने साइट पर यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट एडिसिव है, जो आपको आपके ग्रेनाइट को बहुत जल्दी से इंस्टेंट चिपका कर दे देता है और बहुत मजबूत चिपकाता है दोस्तों। तो आप अपने डोर फ्रेम में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अपने विंडो फ्रेम में आप फ्रेमिंग कर रहे हो ग्रेनाइट की, मार्बल की, वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, अपने किचन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। किचन में जब आप वो पट्टी लगाते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसिया पट्टी, तो फेसिया पट्टी को चिपकाने में ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। वैसे आपका फेसिया पट्टी चिपक तो जाएगा किसी भी केमिकल से, लेकिन बाद में निकल जाएगा। तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपको इस केमिकल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जिससे क्या है, आपका पत्थर बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा किचन में, क्योंकि दोस्तों किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी हमेशा रहता है। तो इसीलिए आपको वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का एडिशिव इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप इस एडिशिव को वहाँ पर इस्तेमाल करिए। उसके बाद इसको आप अपने स्टेप्स, जैसे कि सीढ़ी जो आप लगाते हो, अपने सीढ़ी में अगर आप मार्बल लगा रहे हो, ग्रेनाइट लगा रहे हो, वहाँ पर भी हम साइड में क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा रेलिंग आता है वहाँ पर हम इससे पट्टी लगाते हैं, ताकि हमारा जो पानी है वो स्टेप के सहारे नीचे उतर जाए, साइड में ना गिरे। साइड में गिरेगा तो हमारा जो कलर है, जो हमारा पेंट है, वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको चिपकाने के लिए भी हम इस केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, यह केमिकल आपको एक छोटी सी बोतल में मिलेगा, 50 ग्राम आता है, और इससे बड़ी भी डिब्बी आती है, आप जो चाहे आप ले सकते हो। और इसकी प्राइस लगभग दोस्तों 160 अराउंड रहेगा आपको, 50 ग्राम का जो आता है हमारा पाउच आता है वो लगभग 160 रुपये के आपको मिलेगा। तो इसको लेकर के आप अपने घर में कोई भी पत्थर का काम कर सकते हो, चिपका सकते हो, आपको इसका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। आप तुरंत देख सकते हो कि कितनी जल्दी चिपकता है, कितना स्ट्रांग रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।